इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं और इसका क्या प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज़ की जाती है। तो सैंपल में एलिमेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है या कौन सा एलिमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री में जैसे कि जो रेडीमेड फूड मार्केट में मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें किसी एलिमेंट का क्या कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है या कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम की एनालिसिस के लिए, या जैसे पेट्रोल में लेड का कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सैंपल में क्या एलिमेंट हो सकता है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, इस तरह की एनालिसिस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से की जाती है। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस किस तरह से होती है, मतलब इस टेक्निक का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट एंड मेन कंपोनेंट होता है रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हॉलो कैथोड लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में भी हम हॉलो कैथोड लैम्प्स का ही डिस्कशन करेंगे। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें इनर्ट गैस लो प्रेशर पर फिल्ड रहती है। इसमें कैथोड होता है जो कि मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना होता है। मेटल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अगर हम सैंपल में सोडियम को एनालाइज करना चाहते हैं तो ये कैथोड सोडियम का बना होता है, या अगर हम कैल्शियम को या मैग्नीशियम को एनालाइज करना चाहते हैं तो ये कैथोड कैल्शियम या मैग्नीशियम का बना होता है। मींस ये कैथोड हम सैंपल में जो भी एलिमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं ये उसी एलिमेंट का बना होता है। उसके अलावा एक एनोड रहता है और इनर्ट गैस इस ट्यूब में फिल्ड रहती है। जब हम कैथोड एंड एनोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस वजह से इस हाई वोल्टेज की वजह से जो इनर्ट गैस फिल्ड रहती है वो आयनाइज्ड हो जाती है। इसके जो आयनाइज्ड एटम्स होते हैं ये कैथोड को हिट करते हैं। जब ये कैथोड को हिट करते हैं तो जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है हमारा, वो एलिमेंट के एटम इस ट्यूब में रिलीज होते हैं और एटम्स का एक क्लाउड फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूटरिंग। तो उन एटम्स में जो यहाँ से कैथोड से रिलीज होते हैं, कुछ एटम्स हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्योंकि सोडियम को एज अ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं, जब सोडियम हाई एनर्जी स्टेट में होता है तो हाई एनर्जी स्टेट में होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए ये एनर्जी रिलीज करते हैं, यहाँ पर ये वापस ग्राउंड एनर्जी स्टेट में पहुँच जाते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एनर्जी इनके पास होती है उसको रिलीज़ करके। लेकिन हर एक एटम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकता है या रिलीज करता है, एमिट करता है। जैसे कि सोडियम 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है। तो जब यहाँ पर सपोज सोडियम का क्लाउड फॉर्म होता है तो सोडियम के एटम्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आने के लिए 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करते हैं, और ये वेवलेंथ की एनर्जी इस ट्यूब से बाहर पास होती है और हमारे सैंपल पर फॉल होती है। ये हो जाता है इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पार्ट, रेडिएशन सोर्स। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट क्या होता है, मतलब हम अपने सैंपल को इंसर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूएशन में रहता है, एक साइड से सैंपल इंसर्शन चल रहा होता है इंस्ट्रूमेंट में और दूसरी तरफ से हमारा रेडिएशन सोर्स ऑन रहता है, जिससे रेडिएशन निकल के हमारे सैंपल पर कॉन्टिन्यूसली पहुँचती रहती है। तो जब हम देखते हैं सैंपल इंसर्शन का सेकंड स्टेप किस तरह से होता है, अगर सैंपल सॉलिड फॉर्म में है तो सैंपल का इंट्रोडक्शन मेथड होता है लेज़र एब्लेशन मेथड, जिसमें सैंपल पर हम हाई इंटेंसिटी की बीम फॉल होती है और उस हाई इंटेंसिटी की वजह से सैंपल के मॉलिक्यूल सब्लिमेट हो जाते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम इनर्ट गैस के फ्लो से एटोमाइज़र तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर सैंपल सॉल्यूशन फॉर्म में है तो सॉल्यूशन फॉर्म में सैंपल अगर है तो फर्स्ट स्टेप होता है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन में ये सैंपल इस ट्यूब के थ्रू नेबुलाइजर में पहुंचता है। नेबुलाइजर में जब ये पहुंचता है तो नेबुलाइजर का काम होता है
इस सैम्पल सॉल्यूशन को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, टाइनी ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल में। अब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाती हैं ऑक्सीडेटिव्स के साथ एंड फ्यूल्स के साथ, क्योंकि इस फ्लेम को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीडेटिव्स एंड फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जब हम टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑक्सीडेटिव एंड फ्यूल के साथ मिक्स होकर पहुँचती हैं एटोमाइज़र में। एटोमाइज़र डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है एटोमाइज़र का काम होता है एटम्स का फॉर्मेशन करना। एटोमाइज़र डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट टाइप के यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली फ्लेम एटोमाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में भी हम फ्लेम एटोमाइज़र ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब हमारा सैम्पल जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट्स के साथ मिक्स होकर फ्लेम में पहुँच जाती हैं, तो फ्लेम में पहुँचने के बाद यहाँ पर मिड में फ्लेम की इंटेंसिटी यानी यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है फ्लेम का। तो यहाँ पर फ्लेम में पहुँचने के बाद डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स जैसे कि क्योंकि यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये सॉल्वेंट प्लस सैम्पल होती हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है ये सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिसॉल्वेशन। इस फ्लेम में आने के बाद सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है। नेक्स्ट होता है जब हमारा सिर्फ सैम्पल सॉल्यूशन बचता है, वो सैम्पल गैसियस मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो जाता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैम्पल किसी भी फॉर्म में हो, अल्टीमेटली वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, देन ये गैस फॉर्म, जिसको गैस फॉर्म में चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं वॉलेटिलाइजेशन। उसके बाद ये गैसियस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर एटम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन। और जब यहाँ पर ये एटम्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये एटम पर, इस एटम पर इधर से रेडिएशन सोर्स से जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो फॉल होती है, जिसकी एनर्जी को ये एटम एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेशन स्टेट में होते हैं। यानी अगर सैम्पल में सोडियम के एटम्स हैं, तो सोडियम एटम्स यहाँ फ्लेम में इस वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोडियम एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा यहाँ फ्लेम में, उतनी ही ज़्यादा ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। जब यहाँ पर जितने सोडियम एटम्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच जाते हैं, उसके अलावा जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की होती है वो इस फ्लेम से ट्रांसमिट हो जाती है, और इस ट्रांसमिटेड लाइट पहुँचती है मोनोक्रोमैटर में। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ फिल्टर या फिर प्रिज्म मोनोक्रोमैटर होता है। मोनोक्रोमैटर के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसमें स्लिट होती है, ग्रेटिंग सिस्टम होता है, लेंस होता है, और लाइट हमारी जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो इससे, इस पाथ से होते हुए डिटेक्टर या मल्टीप्लायर के पास पहुँचती है। ये जो ग्रेटिंग होती है इसको हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर तक पहुंच पाती है। तो जैसे यहाँ इस केस में हम सिर्फ 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सोडियम को एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम से क्योंकि मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है, तो मोनोक्रोमेटर सिर्फ 589 यानी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही फिल्टर करता है। वो फिल्टर्ड लाइट ग्रेटिंग से होते हुए हमारी डिटेक्टर या फिर मल्टीप्लायर पर पहुंचती है। मल्टीप्लायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है और एम्पलीफाइड सिग्नल को सिस्टम डिटेक्ट कर पाता है और हमें ग्राफ की फॉर्म में डेटा मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्रांसमिटेड लाइट होती है, लेकिन जो हमें ग्राफ मिलता है वो एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सनट्रेशन की फॉर्म में ग्राफ मिलता है। तो एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन होता है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है। एब्जॉर्बेंस होती है लॉग वैल्यू ऑफ 1/T, यानी लॉग वैल्यू ऑफ 1/ ट्रांसमिटेंस। तो अगर हमें ट्रांसमिटेड लाइट पता है, ट्रांसमिटेड लाइट से एब्जॉर्बेंस की रीडिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है एज पर बियर लैम्बर्ट्स लॉ। हम सैम्पल में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है किसी एटम का, ये जानने के लिए हमें पहले एक कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म करना होता है, मतलब हमें नोन सैंपल रन करना होता है। कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म करने के लिए हमें सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन पता होता है। हम चेक करते हैं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर
कितनी एब्जॉर्बेंस आती है एंड उस बेसिस पर हम एक कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम जब अननोन सैंपल को एनालाइज करते हैं तो अननोन सैंपल में हमें कॉन्सेंट्रेशन तो मालूम नहीं होता है लेकिन हमें एब्जॉर्बेंस की रीडिंग मिलती है इस सिस्टम से। तो हम देख लेते हैं कि वो एब्जॉर्बेंस की रीडिंग कहाँ किस कॉन्सेंट्रेशन पर आती है अपने कैलिब्रेशन कर्व के साथ मैच करके उस रीडिंग को। जैसे कि यहाँ पर 0.600 रीडिंग तब आएगी एब्जॉर्बेंस की जब सैंपल में लगभग 4 और 6 के बीच में यानी लगभग 5 ppm कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी एलिमेंट का है सैंपल में तो वो 0.600 एब्जॉर्बेंस शो करेगा। तो इस तरह से हम कैलिब्रेशन कर्व के साथ मैच करके अननोन सैंपल को कैलिब्रेशन कर्व के साथ मैच करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे सैंपल में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है किसी एलिमेंट का।